हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम कैसे एक लो विज़न पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। जो लो विज़न पर्सन्स होते हैं उनको कलरफुल चीज़ें नहीं दिखती, तो वो लोग जो हैं ब्लैक एंड वाइट पे वर्क करते हैं। अब विंडोज़ 10 अगर उनको यूज़ करना हो, या हम चाहते हों कि हम उनको हेल्प कर सकें कि वो विंडोज़ 10 कंप्यूटर यूज़ कर सकें, तो वो कैसे हम करेंगे? कैसे हम उनके लिए एक कंप्यूटर को या फिर एक लैपटॉप को सेटअप करेंगे ताकि जो लो विज़न पर्सन्स हैं वो इसे सीख सकें और इस पे काम कर सकें। तो इस वक्त आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ कलरफुल है। तो अभी मैं आपको सेटअप करके बताऊंगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी हैं ताकि आप जो है कंप्यूटर को ऐसे सेटअप करें ताकि लो विज़न पर्सन जो हैं इसको ईजिली एक्सेस कर सकें, उनको दिक्कतें ना हो। सबसे पहले आपको विंडोज़ की स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ पर आप देखिए सेटिंग्स दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करें और यहाँ पर आप आ जाएं। राइट साइड में देखें तो ईज़ ऑफ एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और इस तरह से जो है डिस्प्ले का विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में ध्यान दीजिए, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन सभी ऑप्शंस को जो है हमें सेटअप करना है जिससे कि हम लो विज़न पर्सन को हेल्प कर सकें, वो भी कंप्यूटर सीख सकें और इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये हाई कॉन्ट्रास्ट पर आना है। हाई कॉन्ट्रास्ट पर यहाँ देखिए टर्न ऑन हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, आप इस स्विच को जो है ऑन कर दीजिए। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो सारे ब्राइट में दिखेंगे, तो जो लो विज़न पर्सन्स होंगे उनको स्क्रीन पे चीज़ें पढ़ने में जो है बहुत इजी हो जाएगा। कलर हमने जो है सेटिंग चेंज कर दी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डिस्प्ले में आना है और यहाँ पर ये स्लाइडर देखिए, इस स्लाइडर पे जो है आपको टेक्स्ट को जो है छोटे से बड़ा करके करना है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो स्क्रीन पे जो साइज़ अभी दिख रहा है उसको पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको विज़न में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम जो है टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारा टेक्स्ट जो है वो एक बड़े साइज़ में दिखेगा, तो इससे लोगों को पढ़ने में जो है बहुत इजी होगा। और आप नीचे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ दिया हुआ है, ये ऐप्स एंड टेक्स्ट के लिए है, आप यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो है आप देखिए यहाँ मैग्नीफायर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीफायर में भी आप उनको बता सकते हैं, आप उन्हें सिखा सकते हैं कि मैग्नीफायर को भी यूज़ करना है। मैग्नीफायर के लिए शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करना है, और आप इसको टर्न ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ अगर प्लस पे क्लिक करें तो देखिए इस तरह से जो है स्क्रीन में कंटेंट जो है जूम हो गया, तो इसको पढ़ने में जो है ईजी रहेगा। कर्सर एंड पॉइंटर पे अगर आप आके देखें तो कर्सर की भी साइज़ जो है यूजली तौर पे हमें बहुत छोटा सा साइज़ दिखता है, तो आप इसको भी जो है यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और उनको इससे बहुत इजी पड़ जाएगा, माउस को जो है मूव करेंगे तो वो पॉइंटर को देख सकेंगे कि पॉइंटर कहाँ पर है स्क्रीन पर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नैरेटर का ऑप्शन है, ये नैरेटर का ऑप्शन बहुत ही वैसे बेनिफिशियल चीज़ है और जो लो विज़न पर्सन्स होते हैं उनको भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, तो यहाँ पर टर्न ऑन करें अगर Narrator dialogue. तो ये We've updated the narrator keyboard layout. तो इस तरह से नरेटर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब आप अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम ओपन किया है तो यहाँ इस तरह से ये विंडो आ रहा है, तो किसी पर्सन को ये बार बार जो है प्रॉब्लम ना आए, बार बार ये विंडो ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये दोनों शो Checked. को चकमा कर देंगे और उसके बाद जो है आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके Okay. क्लिक कर देंगे, Narrator अब window. Narrator ये handle जो है level नैरेटर 1. विंडो जो है Welcome यहाँ पर आ narrator. गया, इसको This जो है is हम नीचे narrator से यहाँ home पर where you मूव can get करेंगे, help. तो ये नैरेटर का जो विंडो आ जाएगा जब यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको जो है एक चेक मार्क दिया हुआ है, शो नैरेटर होम व्हेन नैरेटर स्टार्ट्स, तो आप इसको भी जो है ऑफ कर Unchecked. दें ताकि ये बार बार जो है ऑप्शन ना आए, या हम फर्स्ट टाइम अभी यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं और ये चेक मार्क को आपको हटा देना है। और यहाँ पर देखिए नैरेटर का गाइड भी दिया हुआ है, तो नैरेटर के लिए क्या गाइड है, कैसे इसको यूज़ करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आप इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तभी इसको हम जो है यहाँ से क्लोज कर देते हैं। Exiting Exiting narrator. narrator.
अब देखिए यहाँ पर जो है नैरेटर एग्जिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है, विंडोज़ की प्लस कंट्रोल प्लस एंटर, जिससे कि नैरेटर को जो है आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर ऑफ है तो हम विंडोज़ कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो नैरेटर यहाँ पर इस तरह से ऑन हो गया, वापस स्विच ऑन। अब ये नैरेटर ऑन हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है आप देखिए, टास्क बार पेन। तो हम जो है अभी एक वर्ड की फाइल जो है ओपन करेंगे और उस पर टाइप करके देखेंगे कि कैसे ये नैरेटर हेल्प करेगा एक लो विजन पर्सन को सिस्टम पे टाइप करने के लिए। तो ये पहले से ही बना हुआ है फाइल, इसको अभी ओपन करते हैं। ओपनिंग वर्ड विद मिरोसॉफ्ट डॉक्स। तो देखिए कि किस तरह से जो है भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन हो गया, और हमने ऑलरेडी जो है डिस्प्ले भी इंक्रीज करके रखा है इसलिए इतना बड़ा सा जो है हमें दिख रहा है। तभी अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करके देखें, यहाँ मैं टाइप ओके, तो ये हमने जहाँ पे भी कर्सर रखा ऑटोमेटिक नैरेटर जो है उसको पढ़ने लगा कि स्क्रीन पे क्या लिखा है। तो नैरेटर जो है आपका स्क्रीन रीडर का काम करता है। और अब हम यहाँ पे हम कुछ टाइप करके देखेंगे। तो देखिए कैप्स लॉक जो है ऑन है, तो ऑटोमेटिक ये जो है इसको पढ़ लिया कि कैप्स में जो है सी लिख रहे हैं या फिर हम कैप्स में आर लिख रहे हैं। तो जो कुछ भी आप एक्शन करेंगे हर चीज़ को जो है नैरेटर उसको पढ़ के बताएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है जिससे कि एक लो विजन पर्सन जो है सिस्टम पे वर्क कर सकता है, उसको ईजिली पता चलेगा कि हाँ सिस्टम पे कैसे काम हो रहा है। और तो अभी इसको क्लोज करते हैं हम यहाँ से। Microsoft Word window, save button, Alt plus S, वापस settings window, अभी नैरेटर को जो है हम ऑफ कर देते हैं। Exiting narrator. तो आपको ये नेटर हर वक्त ऑन नहीं रखना, आप इसके लिए सिर्फ उनको बता दें कि हाँ नेटर का फीचर इस तरह से है और इसका शॉर्टकट इस तरह से है, ताकि वो इसको यूज़ कर सकें जब उनको ज़रूरत हो, जब उनको लगे कि हाँ मुझे अभी पढ़ना है तो वो जो है इसको यूज़ कर सकें। जब उनको लगे कि वो देख नहीं पा रहे, उनको दिक्कत हो रही है देखने में और वो सुनना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर इंट्रैक्शन के अंदर देखिए, इंट्रैक्शन में यहाँ स्पीच का ऑप्शन दिया हुआ है। कॉर्टना जो है डिजिटल असिस्टेंट का वर्क करता है, जैसे कि आपने अमेज़ॉन में सुना होगा अमेज़ॉन इको है और गूगल का गूगल असिस्टेंट है, तो वो हेल्प करते हैं कि बिना उनको टाइप नहीं करना पड़ता, सब कुछ जो है डिक्टेशन की तरह वर्क करता है, सिर्फ आपको बोलना है कि कैसे काम करेंगे चीज़ें। तो आप कोटाना को भी जो है यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पर सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसको लिंक पे जो है क्लिक कर सकते हैं, और ये नेट से कनेक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ से आपको स्पीच रिकॉग्निशन को जो है ऑन करना है। तो यहाँ पर एक अब लो विजन पर्सन को जो है बार बार अगर टाइप करना नहीं है तो वो यहाँ से स्पीच रिकॉग्निशन का जो है हेल्प ले सकता है, ताकि वो सिर्फ अपने मुंह से जो है वर्ड्स को बोले और ऑटोमेटिक जो है वर्ड्स टाइप हो जाएं। फिर है यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पर कीबोर्ड में भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड काम ना कर रहा हो, या हो सकता है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड उनको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को जो है ऑन कर देंगे। तो ये भी जो है हाई कॉन्ट्रास्ट कलर में यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको यूज़ करने में उनको बहुत ईजी पड़ेगा और वो यहाँ से जो है अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आप यूज़ करके एक कंप्यूटर को सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि लो विजन पर्सन जो है इजीली वर्क कर सकें। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से है, जहां पर उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे आपको ये सेटअप करने हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। तो आप उस गाइड को जो है ज़रूर पढ़ें, उससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये ऑप्शंस जो हैं किस तरह से यूज़ करने हैं, ताकि आप इनका यूज़ करके एक विंडोज 10 कंप्यूटर को जो है इस तरह से सेटअप कर दें ताकि एक लो विजन पर्सन जो है उस पर इजीली काम कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अपने कनेक्शन में लो विजन पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं कंप्यूटर, या फिर उनके लिए कंप्यूटर को सेटअप करना चाहते हैं ताकि वो लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर सकें, कंप्यूटर सीख सकें और अपना काम जो है कंप्यूटर पर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।